लखनादौन विधान परिषद विधानसभा की लखनादौन नगर परिषद में चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। 27 तारीख को चुनाव है। कांग्रेस कार्यालय में हम बैठे हुए हैं। लखनादौन के लोकप्रिय विधायक योगेंद्र सिंह बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे समझने का प्रयास करते हैं नगर पंचायत की वार्ड 15 वार्डों में चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड न्यूज इंडिया में। आपसे समझना चाहेंगे चुनाव को लेकर क्या रणनीति कांग्रेस। देखिए ये जो चुनाव है इसकी वोटिंग को सिर्फ तीन या चार दिन शेष है। आज हमारी इसी को लेकर बैठकें हुई हैं और जो भी लोग हमारे उन वार्डों से चुनाव लड़ रहे थे उन लोगों से वन टू वन बातें हुई हैं। उनसे मिलकर या उनसे जो बातें हुई हैं उससे हमें ये लग रहा है कि हमारे पक्ष में माहौल सकारात्मक है। इसी को लेकर हम यहाँ प्लान कर रहे हैं कि जो तीन चार दिनों में हम किस टाइप से जनता के बीच में जाएं और जनता को अपने पक्ष में लाएं। वैसे जो शहर का माहौल है या वार्डों का माहौल है आज बीजेपी की जो जनता के हित में अभी तक जो भी उन्होंने काम करा है वो जनता के हित में नहीं है। चाहे यहाँ का टैक्स का हो या नगर निकाय यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ की बात है तो जनता बहुत त्रस्त है यहाँ से। तो हमें आशा है कि इस बार जनता हमारे साथ रहेगी और एक नए लखनादौन की जो उनकी सोच है उसमें हम लोग खरा उतर पाएंगे ऐसी आशा है। भाई साहब आपके सवाल में एक सवाल जोड़ना चाहूँगा। चूँकि 15 साल से बीजेपी की सरकार है, भाजपा दावा करती है कि उनकी प्रत्येक योजनाओं अंतिम छोर के व्यक्तियों तक पहुँची है, आखिर ऐसी क्या वजह है आपको लगती है कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार होने के बाद भी एक छोटे से चुनाव में जिला प्रदेश अध्यक्ष खुद कूद पड़े हैं, पूरी पार्टी भाजपा की लगी हुई है, क्या लगता है आपको। देखिए जो नगर परिषद की ही ले बात अपन लखनादौन की, तो लखनादौन में मैं अभी तक 5 से 7 वार्ड डोर टू डोर घूम चुका हूँ। वहाँ जो मुख्य बातें ये आई हैं कि लोगों के जो पात्र थे उन्हें प्रधानमंत्री घर नहीं मिला, पात्र व्यक्तियों को पेंशन तक मिली नहीं और वो बेचारे जो पात्र लोग हैं वो नगर निगम कह लें या पंचायत बोल लें उनके यहाँ चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं आज भी। तो ये जो इन लोग बातें कह रहे हैं ये सिर्फ बाहरी तौर पे है, ग्राउंड में कुछ भी नहीं है। भाई साहब आपसे समझना चाहूँगा कल बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। भाई ऐसा है ये तो चुनाव है और ये चुनाव में वो आ जाएं चाहे मुख्यमंत्री जी आ जाएं ये तो एक पार्टी का काम है, वो लोगों का फर्ज है ये कि वो यहाँ पे आएं। भाई साहब आपसे समझना चाहूँगा चुनाव चल रहे हैं लेकिन आज़ाद शिक्षक संवर्ग की बात कर लें, दूसरे कर्मचारियों की बात कर लें, हड़ताल पर हैं, मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया जबकि कांग्रेस की नीत सरकार चाहे छत्तीसगढ़ कह लें या राजस्थान कह लें वहाँ सरकारों ने पुरानी पेंशन लागू कर दी है, क्या वजह लगती है मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर्मचारी हित पर कदम उठा पा रही है। देखिए ये तो उनकी केंद्र की नीति है पर जहाँ जहाँ पे हमारी सत्ता है चाहे वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो वहाँ पे आज पुरानी पेंशन मान्य है। और जब हमारे मुख्यमंत्री नाथ साहब थे यहाँ पे तो उनके जो भी संघ की मांगे हैं जायज़ मांग है वो हमारे नाथ साहब के वचन पत्र में था और जब वो मुख्यमंत्री थे तो बहुत सी मांगे पूर्ण हुई हैं। अब हमारा तो यही है कि अब उनकी जो भी मांग है हम तो ये चाहेंगे कि उन लोग सब साथ रहें और फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नाथ साहब आएँ और जो भी उनकी मांग है जायज़ मांग है उस मांग में हम लोग सब उनके साथ हैं। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा, चूँकि नगर पंचायत चुनाव है 15 वार्डों में, क्या लगता है आपको कांग्रेस कहाँ तक सफल हो पाएगी। देखिए 15 के 15 वार्ड हम लोग जीते ऐसा तो संभव नहीं है लेकिन जहाँ तक है हम 8 से 10 वार्ड तो जीत रहे हैं जी। ये हमारे साथ लखनादौन विधानसभा के
विधायक लोकप्रिय विधायक कह लें योगेंद्र सिंह बाबा मौजूद थे, जो कि पूरी बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दे रहे थे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए ठाकुरबाल मुकुंद के साथ। सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।